क्वेश्चन नंबर 24 ये y इज गिवन, y इज इक्वल टू x log x by a plus bx. तो हमें ऑप्शन भी गिवन है, हमें पूछा जा रहा है देन x cube into d2y by dx square. ये क्या होगा? सीधा तरीके से मेरे से पूछा जा रहा है कि डबल डिफरेंशिएट देन क्या होगा, y का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, d2y by dx square क्या होगा, ये पूछा जा रहा है. तो हम करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पे हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx. यहाँ पे एक बार x square से छोड़ दो और इसको u into v के लिए डिफरेंशिएट करो. तो क्या कर रहे हो आप, log को डिफरेंशिएट कर रहे हो. तो क्या होगा, 1 by x. log को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर x by a plus bx को डिफरेंशिएट करोगे तो a plus bx into differentiation of x minus x into differentiation of a plus bx by a plus bx का square. ये तुम्हें मिला dy by dx, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी, पर थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या ये इतना ही कॉम्प्लेक्स है. ये हो गया a plus bx और यहाँ किससे मल्टीप्लीकेशन है, a plus bx minus xb, यानी सिर्फ a रह गया यहाँ पे, ये स्क्वायर है, a कैंसिल हो गया. सो dy by dx बड़े प्यार से बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, a by a plus bx, ये है dy by dx. अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है और उसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है. और चार ऑप्शन जो है वो भी लिखना चाहिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि इन चारों में से किससे मैच करवाना है. सो आई वुड राइट ऑल द फोर ऑप्शंस देयर बिहाइंड इन. यहाँ पे ऑप्शन ए है x dy by dx माइनस y, ऑप्शन बी x dy by dx माइनस y का स्क्वायर, नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन सी है y dy by dx माइनस x, ऑप्शन डी y dy by dx माइनस x का स्क्वायर. सिंपल है, x dy by dx या y dy by dx, इन दोनों में से क्या आने वाला है. तो सबसे पहले हम d2y by dx पर यहाँ निकाल लेते हैं, यानी कि y डबल डैश निकाल लेते हैं. तो क्या आएगा, a प्लस, यहाँ पे तो सीधा है, a ऊपर है और नीचे a प्लस bx है, तो a बाहर ही निकाल दो और a प्लस bx का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि एक्चुअली 1 by x का डिफरेंशिएशन करो. क्या होगा 1 by x का डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर. हाँ सर. और कोएफिशिएंट में यहाँ पे b लगा हुआ है तो b को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो dy by dx is minus ab by a plus bx का स्क्वायर, यही है dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, यानी कि y डबल डैश. अब इसमें x क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब में से क्या मिलेगा, x क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर दिख रहा है, a plus bx का स्क्वायर दिख रहा है, ओके. और अगर मैं ये देखता हूँ x dy by dx minus y, तो dy by dx तो हमारे सामने ये है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा. तो अगर यहाँ पे log लेके आए और फिर स्क्वायर करें तो फिर log का क्या होगा, log ऐसे ही रह जाएगा. अच्छा y dy by dx करते हैं तो फिर भी वहाँ पे y तो आएगा ही और dy by dx में ये है, तो dy by dx तो मेरे सामने ये है, ओके. उसमें से x माइनस करना है तो y into dy by dx, y में तो पूरा लिखना ही पड़ेगा ना यार, तो ओके. सर x क्यूब इनटू d2y by dx स्क्वायर पूछा है, तो सर इसमें x क्यूब का तो टर्म ही नहीं आ रहा है, मतलब चलो मैं x क्यूब, तो उसको मैंने जबरदस्ती बनाना होगा ना, मैंने मल्टीप्लाई कर माइनस ए बी एक्स क्यूब बाई ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर,
यही चीज हमें लेके आना है एनी हाउ, यानी कि एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर भी आ जाए तो हो सकता है। हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना एक्स क्यूब से, तो उससे शायद वो टर्म आ जाए। हाँ वही, तो y dy by dx, dy by dx हमारे सामने है, इसमें हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x a आ जाएगा और dy by dx ये है y, ये पूरा है log वहां भी रहेगा माइनस x करेगा। log का टर्म कहाँ खत्म हो रहा है, log log कहाँ से देखे यहाँ पे log तो खत्म हो गया ना हमेशा के लिए, तो यहाँ पे फिर से log को रीजनरेट कहाँ से करेंगे, और अगर y को माइनस करते हैं तो फिर log को माइनस करना पड़ेगा, तो फिर वहां भी log है, log को कहां से रीजनरेट किया जाएगा, y dy by dx माइनस x। y by x e की पावर y by x e का पावर x dy by dx माइनस सर, मैं एक चीज बोलूं सर, मतलब ऐसे मतलब स्ट्राइक किया मेरे को, मतलब उसको जो x जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ y is equal to x log x by a plus bx, उसमें से y by x माने x को उस तरफ में माने y के तरफ में ले आ सकते हैं क्या, यानी y by x ले आ करके डिफरेंशिएट करने पर तो शायद थोड़ा सिंपल बनेगा एक्सप्रेशन। यहाँ पे dy/dx तो वही आएगा ना, dy/dx हाँ. तो वही आना चाहिए। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है कि वो यहाँ पे अगर लॉग आ रहा है तो इसका क्या हो, वो लॉग वहां से कैसे हटे। हाँ सर, मैं वैसे किया था ऐसे मैं अभी बोला, पर फिर मतलब एक्सप्रेशन तो मेरा भी सेम ही आया था, लास्ट में मैं वही पे अटका हूँ। एक सेकंड, हो जाएगा थोड़ा अभी करते हैं। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ x dy by dx minus y को, देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। ये एक्सप्रेशन आप याद रखो, जो जो चीजें हमारे सामने हैं, d2y by dx square हमारे सामने हैं और dy by dx भी, dy by dx क्या था आपने कॉप में लिखा ही होगा, मुझे बता दें, बताओ क्या है dy by dx सर, a by a plus bx, हाँ बस a by a plus, यही है बस। हाँ सर, माइनस वाई, यहां से एक्स बाई एक्स है सर, यहाँ पे ए बाई ए प्लस बी एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स, या वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, लॉग कैसे रीजनरेट करेंगे। जैसे कुछ अलग एक्सप्रेशन y x का फंक्शन है, तो x dy x into dy by dx plus my minus y into by x square is equal to 1 by x minus 1 by a plus bx, b के साथ ये है x dy by dx, x dy by dx। अच्छा, माइनस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स माइनस बी बाई ए प्लस बी एक्स,
ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर जैसे उसमें लिखा हुआ है दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है देखते हैं। ये मिलेगा एक्स पावर फोर, और इसको मैं अगर शॉर्ट कर लूँ छोटा सा। अच्छा सर, आप डिफरेंशिएशन में सर आप शायद कुछ गलती किए थे सर, एक बार आप चेक कीजिए सर। मैंने x log x into log x by a plus bx था, तो फिर आप जब मल्टीप्लाई किए थे uv रूल तो आप लगा दिए थे, लेकिन उधर पे प्लस करके log x by a plus bx आप लिखे नहीं थे शायद से, इसीलिए सर x into a plus bx, और इसका स्क्वायर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और ये पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब नहीं नहीं सर, ये वाला ना, हाँ ये वाला मेथड से भी हो सकता है, मैं इससे ही किया था। x स्क्वायर a स्क्वायर by a plus bx स्क्वायर, तो x dy by dx minus y स्क्वायर ये बन रहा है x स्क्वायर, x पावर फोर था नीचे x स्क्वायर था ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे a रह गया था और bx माइनस dx कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर हो गया। ये हमारे सामने x स्क्वायर a स्क्वायर a प्लस bx का स्क्वायर, बट x क्यूब y डैश कितना है dy by dx, तो ये x क्यूब y डबल डैश के इक्वल है क्या, y डबल डैश है कितना, पहले y डबल डैश की तरफ जाना होगा, या फिर अगर मैं यहीं पे d2y by dx स्क्वायर करूँ तो यहीं से कुछ मिल सकता है, यहां से मेरे को ये मिला। मैं यहाँ पे ये चीज नोट करके रखना चाहता हूँ, फिर b का टर्म कैसे आएगा, ये इसका स्क्वायर है और ये क्या ये d2 / dx² का इक्वल है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और अगर y dy / dx करें तो वहां y dy / dx नहीं आ रहा, ये cc में ये ट्रू होगा, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कहाँ पे चीजें गलत हो रही है। यहाँ x नीचे ठीक है, यहाँ पे 1 बाई एक्स ये और फिर इसका स्क्वायर। चलो एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ। हाँ सर, एक बार सर डिफरेंशिएशन एक बार थोड़ा देख लीजिए सर, मेरे को लग रहा है मतलब डिफरेंशिएशन में कहीं पे कुछ ना कुछ मिस हो गया है। जैसे ये x dy by dx minus y is equal to x into 1 by x minus b by a plus bx, ये चीज है। एक सेकेंड, एक्स ये एक्सप्रेशन सही है ना, एक्स स्क्वायर मैंने स्क्वायर पावर फोर हो गया था, ये एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया था, ओके। और यहाँ पे लॉग का टर्म था तो इसलिए लॉग का ये डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन बी कोएफिशिएंट, ठीक है। और अभी इसको एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे, x माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x dy वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे करेंगे x d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक सेकेंड, x रखा इसका डिफरेंशिएट किया, इसको रखा और x को डिफरेंशिएट किया, सिर्फ dy by dx रहेगा, फिर माइनस dy by dx रहेगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस bx माइनस, अगर लगा दिया और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2bx माइनस bx स्क्वायर, और a प्लस bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, स्पेस भी तो नहीं है। तो यहाँ पे x d2 by dx स्क्वायर और d by dx कैंसिल हो गया, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 है, 1 को यहाँ पे 2 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल होके सिर्फ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा। अच्छा सर, सिंपलीफाई करके सर a बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है ना सर? हाँ, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर नीचे, हाँ a प्लस बी एक्स का पूरा होल स्क्वायर, 2 ए बी एक्स,
और यहाँ पे टू बी एक्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे ऐसे ए प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कॉमन है, बी एक्स वहां से आ रहा है, टू ए है, यही प्रॉब्लम सर। आप उसको वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना सर, फिर आप सिंपलीफाई करके देखिए, a बाई a बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। माने वन से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम लेकर के, ऐसे वही ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, वो माइनस में है, प्लस 2ab x a स्क्वायर सिर्फ b स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर और 2abx ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर रह जाएगा और नीचे आ जाएगा a प्लस bx का होल स्क्वायर। सर यही बोल रहा था मैं। तो ये क्या आया, ये क्या आया, कहां से हम लोग चले थे, ये हमने इसको डबल डिफरेंशिएट किया था, तो डबल डिफरेंशिएट किया था तो यहां पे आया x d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, ये जो इसी के इक्वल तो हम लोग ये लिख रहे थे ना, तो अब कहां लिखूं मैं, स्पेस ही नहीं है, तो यहाँ पे x d2y/dx स्क्वायर की सर आपका वीडियो पॉज हो गया सर।
सारे लोग भाग गए? नहीं, हाँ सर, पहला क्वेश्चन से ही डर के भाग गए सब। नहीं सर, अभी जब मैंने नेटवर्क आपको मतलब खराब हुआ ना, उसके बाद में सब लोग लीव कर गए। अच्छा, मौका मिल गया। चलिए, आप देख पा रहे हो गया सॉल्व। हाँ सर, वही है क्या यानी कि किए सर, वो मैंने ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हुआ, उसके बाद आप क्या किए सर? हाँ, ये किसकी वैल्यू है? ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू है? ये है डी एक्स क्यूब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये आ गया, और यही वैल्यू आई थी इस पूरे का स्क्वायर करते वक्त। स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं आपको अच्छे से शो कर सकता हूँ। सर मैं कॉपी कर लिया हूँ सर, आप रब करके माने मतलब लेफ्ट साइड में दिखा सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो यही क्वेश्चन मिला था। कोई दिक्कत है इसमें? जब हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था तो यही क्वेश्चन मिला था, हाँ सर, एक तरफ x को उधर लाके। तो हमने एक बार इसका स्क्वायर कर दिया तो ये काम दिख रहा होगा आपको, यहाँ से और यहाँ तक पहुंच गया। ये वाला पार्ट स्क्वायर करके यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है? ये एक सेक्शन है, एक पार्ट है। एंड द अनदर पार्ट इज इफ वी हैव डिफरेंशिएटेड इट वंस मोर। हमने इसको स्क्वायर नहीं किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया एक बार और। ये इक्वेशन था ना, एक्स स्क्वायर अंदर ले गए और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया फिर से, और इस तरीके से हम यहां तक पहुंचे। इन दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आता है कि इसका जो स्क्वायर है ये वैल्यू है, और एक्स क्यूब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यही है, यानी दोनों सेम हो गया। अब बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है सर, चलो और बताओ फटाफट। सर जेई मेन वाला जो एक्सरसाइज था उसका 11 नंबर क्वेश्चन, वो AI ट्रिपल ई ऑनलाइन 2012 का होगा क्वेश्चन। ठीक है, यह a mod sin x से b e raise to the mod x c x का mod का क्यूब। तो इसमें तीन फंक्शन एक साथ दे दिए गए हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, mod sin x differentiable है कि नहीं जीरो पे? mod sin x बताओ सर, mod sin x नहीं सर, नहीं है सर, नहीं है? बिल्कुल सही बात है, कॉर्नर पॉइंट है। दूसरा हाँ, mod x नहीं है, mod x में नहीं है। तो e to the power mod x है क्या? पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, ऐसा होता है। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है सर ये क्या? तो लास्ट में सर बताए थे सर, ये वाला नहीं होता है डिफरेंशिएबल, e की पावर मॉड एक्स। राइट, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये भी क्लियर है। हमें पहले से ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है, ये हम सेपरेट फंक्शन के बारे में मेरे को पता है। प्लस सी मॉड एक्स का क्यूब, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन मॉड एक्स का क्यूब है क्या? मॉड एक्स का क्यूब का मतलब ये क्यूब का फंक्शन है पॉजिटिव के लिए। जब ये नेगेटिव ऐसा हो रहा होगा तो ये इसको ऐसे लिफ्ट कर देगा, ये नीचे नहीं जाएगा। सर ये ग्राफ से बताना मुश्किल है ना, इसके लिए तो मतलब चेक जब करना ये होगा। था तब तो हम बता सकते हैं कि ये डिफरेंसिबल है, लेकिन अब ये मॉड एक्स क्यूब है तब क्या ये डिफरेंसिबल होगा, ये देखना है, क्योंकि अब ये मॉड बन रहा है। आप करके देख सकते हो यहाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर आप आर एच डी लेंगे तो ये हो जाएगा एच क्यूब माइनस जीरो बाई एच, यही होगा ना? एच क्यूब माइनस एच ही होगा ना जी, क्या होगा? या फिर आप ऐसा सोचो, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स और माइनस एक्स, जब एक्स पॉजिटिव है और जब एक्स निगेटिव है, यहाँ तक ठीक है? यानी कि मॉड एक्स का क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब जब एक्स पॉजिटिव हो और माइनस एक्स क्यूब जब एक्स निगेटिव हो। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पॉजिटिव एक्स के लिए तो ये हो जाएगा f डैश एक्स निकालो,
ये हो जाएगा 3x2 जब x पॉजिटिव हो, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x2 जब x नेगेटिव हो, राइट। तो जब x पॉजिटिव होगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जीरो पे, जीरो पे क्या आंसर होगा, जीरो पे बात हो रहा है ना डिफरेंशिएबिलिटी का, हाँ जीरो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, तो जीरो पे इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। हाँ सर, जीरो पे तो दोनों ही जीरो आ रहे हैं, जब पॉजिटिव होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तब भी ये जीरो हो जाएगा, माने डिफरेंशिएबल है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल है। इसलिए हम ऐसे ऊपर से कुछ नहीं कर सकते, चेक करना पड़ेगा। साइन एक्स में क्या हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, इसीलिए हम फंस जाते हैं। जब एक बार फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो, और एक बार फंक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स जब एक्स नेगेटिव हो, ठीक है। मॉड साइन एक्स ऐसे ही होता है ना, ये हो गया साइन एक्स। हाँ सर। सर इसका तो शायद ग्राफ आप बताए थे मॉड साइन एक्स का, तो उससे तो मतलब डायरेक्ट ही बोल सकते हैं शायद, यही है मॉड साइन एक्स, तो ये वाला साफ साफ कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है आपको। हाँ सर, वो पाई वाले एन पाई वाले मल्टीपल पे कॉर्न पॉइंट सर। तो ये हमारे सामने एफ एक्स है, और सबकी डिफरेंशिएबिलिटी हमारे को पता है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल है और बाकी डिफरेंशिएबल नहीं है। आप चुन लो इसमें से, ए और बी अगर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और सी को कोई भी रियल नंबर रहने दो। बोलिए, मिल रहा है ना ऑप्शन, ए जीरो बी जीरो एंड सी इज एनी रियल नंबर, ऑप्शन डी देखो तो ठीक है। एक सेकंड से चेक कर, कोई बच्चा आया कि नहीं अभी तक, यार गलत बात है, तुरंत भाग गया सर। सर ऑप्शन डी है सर। हाँ सर करेक्ट है। ठीक है, और बताओ सर और एक 18 वाला क्वेश्चन है, जेई मेन 2014 लिखा होगा उसमें, एफ ऑफ इनवर्स वाला। सर इनवर्स वाले में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, नंबर 22 भी शायद उसमें फंस गया था। कि अगर एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है तो हम बोलते हैं कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो हम ऐसा जाते हैं, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स, यही तो बताया था मैंने। अब हमारे को एफ डैश एक्स गिवन है, मेरे को जी डैश एक्स चाहिए, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स गिवन है, ये एक्स की इक्वल है। ये बात अगर समझ नहीं आई तो यू कैन कॉल मी, हमें बता सकते हो। सर नहीं, फंक्शन किया था सर मैं, ये समझ में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, जी डैश एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन, यही होगा। मेरे को चाहिए एफ डैश एक्स, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, जी डैश एक्स। तो जी डैश एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 1/f'x, और एफ डैश एक्स की वैल्यू पता है कितनी, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/1 + x^5, तो 1/f'x विल बिकम दिस, जो हो जाएगा जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। बोलो ठीक है यहां तक, 1 + x^5 को आप एफ एक्स के टर्म में लिख सकते हो क्या? हाँ सर। सर अच्छा, हाँ 1/, हाँ हाँ ठीक है सर, यस सर, वो मतलब रेसिप्रोकल हो गया ना बस उसका। नहीं तो एफ डैश कितना है ना, हमें जी एक्स चाहिए, यहाँ पे जी डैश एफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ एक्स नहीं है, हमें जी डैश एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे जी डैश एफ एक्स निकल के आया है, मेरे को जी डैश एक्स चाहिए, तो शायद यहाँ से काम बने एफ ऑफ जी से, देखते हैं करके। तुरंत आप दोनों ओपन करके रख दो यहाँ पे, एफ डैश जी एक्स, ये इंक को क्या हो गया, दूसरा तो नहीं दिया, ये क्या है, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन, राइट, यहाँ तक ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोलूं जी डैश एक्स निकालना है ना, जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स ले लेते हैं 1/f'g, जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 1/f'g,
और f डैश x की वैल्यू कितनी है, f डैश x पहले से गिवन है 1 by 1 plus x power 5, so f डैश gx कितना हो जाएगा 1 by 1 plus gx का पावर 5। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे? हाँ सर। तो f डैश gx हमारे सामने है तो उसको यहाँ प्लेस कर देंगे, क्या जाएगा 1 plus gx का पावर 5, तो g डैश x की वैल्यू कितनी हो गई 1 plus gx का पावर 5। और ये कहानी छोड़ दो इसका मत पर। यहाँ पे है f of gx is equal to x, next step ये, और बस आगे बढ़ते जाइए, हो गया टर्न में। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन ना, आप आगे बोलो। सर ये थोड़ा वो इन्वर्स वाला पार्ट थोड़ा सा एक और बार बता दीजिए सर, वो मतलब मैं एक और क्वेश्चन में इसी सेम कांसेप्ट में मैं फंस गया था, सेम सेम जैसा ही। मैंने ये तो बोला था gx is equal to f inverse x, अगर दोनों तरफ हम x को रिप्लेस कर देंगे fx से तो क्या हो जाएगा, g of fx is equal to f inverse fx, तो g of fx क्या निकल के आ गया, f inverse fx तो x ही होता है ना, तो अगर g f का इनवर्स है तो हम ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते g of fx is equal to x। हाँ सर। और g अगर f का इनवर्स है तो f भी g का इनवर्स होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे fx is equal to g inverse x, हम यहाँ पे gx से रिप्लेस कर देंगे x को किससे रिप्लेस करेंगे gx से, तो यहाँ पे g inverse gx हो गया, ये हो गया f of gx is equal to x, तो यहाँ पे g of fx भी x के बराबर, f of gx भी x के बराबर। अब यहाँ पे मुझे या तो यहाँ से आंसर मिलेगा या तो यहाँ से आंसर मिलेगा, दोनों को पैरेलल में चला के देख लो किससे मिलता है, कभी कभी यहाँ से हमें f डैश चाहिए होता है तो हम यहाँ पे इससे f डैश निकाल के लेके आते हैं, फंक्शन गिवन होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली g डैश x की जरूरत पड़ गई तो यहाँ से आंसर मिल गया, सिंपल है। f of gx is equal to x से स्टार्ट किया, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, जी डैश एक्स हाजिर हो गया, कहाँ प्रॉब्लम है? तो क्लियर है सर अब। बोलो नेक्स्ट। सर और एक नंबर 27 वाला क्वेश्चन होगा, 2017 का है वो, जेई मेन ऑनलाइन 27, इसमें शायद बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगेगा शायद से, पता नहीं। और इसके अलावा नंबर 28 भी सर, 28 एफ बी ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 सच दैट f 3x is equal to f dash x into f double dash x, तो हमें ये चाहिए, ये गिवन है, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें अगर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है तो हम कोई एक फंक्शन अपने तरफ से मान सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी पॉलीनोमियल फंक्शन के लिए ट्रू हुआ तो उस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल के लिए भी वो ट्रू होगा जो हमने मान रखा है। आप सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। fx पॉलीनोमियल फंक्शन है और उसने बोल दिया है कि ये डिग्री 3 है तो इसी फॉर्मेट में होगा ax क्यूब bx स्क्वायर cx + d, यही तो होता है पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहा है f3x is equal to f'x into f double dash x, तो जल्दी से बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि fx जो इतना बड़ा फंक्शन है मैं bcd को 0 ले लूंगा, ये भी तो पॉलीनोमियल है ना, कौन रोक रहा है, ये भी एक पॉलीनोमियल है, तो अगर f भी a पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 सच दैट f3x इज इक्वल टू f डैश x इनटू f डबल डैश x, तो यहां पे करके देखते हैं कि f3x का मतलब क्या हो जाएगा, a इनटू 3x का क्यूब और f डैश x का मतलब क्या हो गया 3ax स्क्वायर,
एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, थ्री ए इंटू टू एक्स, थ्री ए इंटू टू एक्स, यहाँ पे क्या बन रहा है थ्री इंटू थ्री इंटू टू, एटीन ए स्क्वायर और एक्स क्यूब बन रहा है ऐसा कुछ। तो यहां से ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तो f डैश f थ्री एक्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो हमें ऐसा पॉलीनोमियल ढूंढना है जिसमें f थ्री एक्स की वैल्यू ये हो, 18 ए स्क्वायर एक्स क्यूब हो, ए स्क्वायर। तो अगर मैं 3x को x से रिप्लेस करूं तो x 3x को y से रिप्लेस करूं या m से रिप्लेस करूं, 3x is equal to m रख दिया मैंने, तो x कितना हो जाएगा m by 3, 18 a square m cube by 3 का cube, तो ये हो गया 9 3 का 27, 9 2 का 18, 2 by 3 a square m cube, f m is equal to 2 by 3 a square m cube, ये हमारा fx मिल गया। अब क्या बोलने जा रहा है, f2 plus f dash 2 is equal to 28, और a की वैल्यू तो पता ही नहीं है, f double dash 2 minus f dash 2 is equal to 0, तो a के बारे में क्या बोलेंगे, f यहाँ पे 3x में a तो है, a तो लेके चल रहे हैं हम, अगर a के टर्म को हटा देते हैं तो पता चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे अजीब सा लग रहा था, ऐसे शॉर्टकट में बन जाता तो ठीक था, तो नहीं बन रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कुछ, f3x is equal to f dash x f double dash x, इसमें मुझे f2 और f dash कुछ है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ तो क्या होगा, डबल ट्रिपल डैश हो जाएगा, पॉलीनोमियल है तो x क्यूब से बना, x स्क्वायर से बना, x कोई कांस्टेंट आएगा, सो f dx into 3 is equal to f double dash x dash square plus f dash x into f triple dash, हमारा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया 3ax स्क्वायर और ये हो गया 3a इनटू 2x और यहाँ पे 3x का मतलब a इनटू a क्यूब, यहाँ पे 27ax a के बारे में कुछ नहीं, x चेंज हुआ है, x क्यूब यहाँ पे 27a इज इक्वल टू 18a स्क्वायर, तो यहाँ से a के कैंसिल हुआ तो ये 18 a is equal to 27, 18 a is equal to 27, a is equal to 3 by 2, a is equal to 3 by 2, यहाँ पे अगर मैं fm लिखूँ ये हो जाएगा 3 by 2, 3 by 2 कैंसिल, 3 by 2 m cube, यानी अगर fx की वैल्यू हो गई 3 by 2 x cube, अब इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ f2 plus f dash 2, f2 का मतलब 3 by 2 into 2 plus 2 minus f dash 2, 3 by 2 plus f dash 2, f dash 2 का मतलब हो गया 3x square, तो 3 by 2, 3 into 4,
प्लस एट यहाँ कैंसिल, 9 इंटू 18, 12 प्लस 18, 30। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। एफ डबल डैश टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो। मैंने अपने अपने मन से एक सिंपल सा पॉलीनोमियल फंक्शन ले लिया ए एक्स क्यूब, ठीक है। अब एफ थ्री एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स अगर इतना है तो एफ थ्री एक्स कितना होगा, ए इंटू थ्री एक्स का क्यूब। हाँ सर। अब एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, थ्री ए एक्स स्क्वायर इंटू थ्री ए इंटू टू एक्स, तो फिर उसका मतलब है कि हाँ एक्स क्यूब तो प्रेजेंट रहेगा ही साथ में, लेकिन उसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट हो, एक्स भी प्रेजेंट हो, क्योंकि उसका डिग्री थ्री बोला है ना, डिग्री मतलब तो हाईएस्ट पावर होता है। हाँ बिल्कुल, वो सब प्रेजेंट हो सकता है। सर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्या, मतलब कंडीशन तो ऐसा ले ही सकते हैं कि एक जैसे जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऐसे करके, मतलब सारे मतलब वेरिएबल दिए होंगे उसमें वैसे। हाँ तो चार वेरिएबल हो जाएंगे ना, मतलब हम इसको शॉर्ट में कैसे निपटाएं, मतलब जैसे कि यहाँ पे f थ्री x, f डैश x और f डबल डैश x के इक्वल है, तो हम ऐसा फंक्शन क्रिएट कर देते हैं अपने इंस्पेक्शन मेथड से। वैसा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो फंक्शन मैं लेके चल रहा हूँ ax क्यूब, मैंने ऐसे ही इंस्पेक्शन मेथड यूज किया है, वो अगर लेके चल रहा हूँ तो उससे भी मैं दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूँ। यानी कि अगर मैं ये फंक्शन लूँ 3y2x³, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो मैं ये फंक्शन क्यों नहीं ले सकता, मेरा जवाब दे दो। कि अगर मैं ये ले रहा हूँ और मेरा ये ट्रू हो जा रहा है, तो ये मैं फंक्शन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये पॉलीनोमियल फंक्शन डिग्री 3 है, तो क्या ये पॉलीनोमियल फंक्शन डिग्री 3 नहीं है, क्या ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जब ये कर रहा है, क्योंकि हमने वो फंक्शन ढूंढ लिया इंस्पेक्शन मेथड से। इसका डिटेल मेथड हो सकता है कुछ और हो सकता है मैं आपको फिर से बताऊं, इसका एक और तरीका बताऊं सॉल्व करने का, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ये फंक्शन ले लेता हूं, जैसे हम बोलते हैं एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और हम एफ एक्स को सीधा ले लेते हैं के एक्स, 2x भी ले सकते हैं, 4x, 5x कुछ ही ले सकते हैं, तो हमने लिया ना अपने तरफ से कुछ, हमने अगर मैंने के एक्स के बदले एक्स की ले लिया, तो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, जबकि वो कुछ और भी हो सकता था, kx plus 5 भी हो सकता था, लेकिन हमने ये लिया x, तो इस चीज ये जो फंक्शन है ये इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना, तो वही उसी आधार पे मैं ये ले सकता हूँ। इंस्पेक्शन मेथड पे बहुत सारे स्टैंडर्ड राइटर भी इसको यूज करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड वो करते हैं ऐसे कहताना से, मान लेते हैं फंक्शन ये है, मतलब इससे थोड़ा जल्दी हो रहा है, बाकी अगर पूरा एक्सप्रेशन लेंगे तो फिर थोड़ा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन। मैं तो कुछ ना कुछ बताऊंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, फिलहाल आप वर्क करो इसके। तो f3x मैंने इसके इक्वल किया, मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन लिया, फिर मैंने कोशिश की कि मैं एक्चुअली फंक्शन तक पहुंच पाऊं, तो मैंने देखा कि इधर का प्रोडक्ट में ये आ रहा है और इधर के प्रोडक्ट में ये आ रहा है, ये दोनों इक्वल होगा तब जब a की वैल्यू को हम अपनी तरफ से कुछ डालेंगे, यानी कि इधर ये 18a आ रहा था और इधर ये 27 आ रहा था, यानी 18a को 27 करने पे a की वैल्यू 3/2 आ गई। अब a की वैल्यू 3/2 रखने पे ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन जो था ए एक्स क्यूब, वहां पे ए की वैल्यू को 3/2 ले लिया। अब हमारा आगे का काम शुरू होगा, एक्स ए की वैल्यू ए बाई 3/2 ले लिया, अब हमारा फंक्शन एक्चुअली में ये है 3/2 एक्स क्यूब, और हो सकता है कि सिर्फ यही फंक्शन हो क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर आप हो सकता है स्क्वायर का टर्म लो या जो लो, हो सकता है उससे ना हो, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी जल्दी से आपको समझाना नहीं होगा तो ये फटाफट कर सकते हैं, मतलब जल्दी से किया जा सकता है। तो एफ एक्स आपको इतना करने के बाद मिला, एफ एक्स मिल गया आपको, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये बोला जा रहा है कि एफ की वैल्यू निकाल दो, एफ टू प्लस एफ डैश टू, एफ टू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3/2 × 2 का क्यूब 12 आ रही है, और एफ डैश टू की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ डैश टू ही है ना, एफ डैश टू है 3/2 × 3x² यानी कि 9/2 × 2x² 9/2 × 4 यानी कि 9 × 2 यानी 18, तो इनको ऐड करके 30 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में f डबल डैश 2, f डबल डैश 2 में ये होगा 3/2 × 3x² जो x² का 2x,
ये हो गया 9x, 9x, ये डबल डैश है तो f डबल डैश 2 का मतलब ये 18 हो गया, माइनस f डैश 2, f डैश 2 अभी निकाला था ना आपने, f डैश 2 कितना आया था, 18 ही आया था, f डैश 2 कितना आया था, शायद 3 by 2 into 3x square, यानी कि 2 square, हाँ 18 ही आया था, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, तो f डबल डैश 2 माइनस f डैश 2 ये 0 आ रहा है, ये हो गया सही, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा इसका प्रॉपर मेथड, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ठीक दिख रहा है, बस सिंगल चॉइस है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 27 भी मैं मतलब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या रिलेशन होता है वो ध्यान रखिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें डिफरेंस, इसमें रिलेशन क्या है, इसमें फिर से ये वाई क्रिएट होता है या डी वाई बाई डी एक्स, ये थोड़ा सा देखने वाला चीज है, इस पर अभी वर्क करेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा, इसको मैं आपको भेज दूंगा, बता दूंगा सॉल्यूशन। चलिए पर सर 27 वाला, 27 का ही तो बोल रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ मतलब वही 27 का, अच्छा ठीक है सर आप व्हाट्सएप ही कर दीजिए। हाँ इसमें ये बोला जा रहा है वाई का स्क्वायर, अगर आप वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पावर, सर बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज करना ही होगा ना, मतलब एक्सप्रेशन तो बहुत बड़ा सा है, वही ना उसको शॉर्ट में छोटे में देखना चाहता हूँ मैं कैसे होगा वो देखना होगा, अगर मैं इसको ऐसे देखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये ही है, इसी का फैक्टर होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट, तो ये इस यानी कि ये वन के बराबर है, देखो आप माइनस वन के बराबर है ये, यानी कि मैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन को माइनस वन बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट माइनस एक्स, इसकी वैल्यू एक्स प्लस इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसा मैं लिख सकता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन जो राइट साइड में है उसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट माइनस एक्स का पावर माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट का पावर नथिंग, तो यहाँ पे 15 है पावर और यहाँ पे भी पावर 15 है, दोनों में माइनस है, तो इसको रिवर्स करने पर नेगेटिव बाहर आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट, यहाँ पे प्लस वन है या माइनस, इसी में कुछ देखना होगा लाइक एक्सपेंशन वगैरह, नेगेटिव के पावर का भी हम एक्सपेंशन जानते हैं और इसका भी जानते हैं, हो सकता है कुछ सिंपल सा निकल के आए तो इसको मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, कुछ फंक्शन वाले एफ फंक्शन रिलेशन वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं सर, न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कराएंगे सर आज, क्या सर टेंजेंट और नॉर्मल वाला, टेंजेंट नॉर्मल या मैक्सिमम मिनिमम या मोनोटोनिसिटी, यही ना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, और भी इसके ही बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे अभी, लेकिन मैं आपको न्यू चैप्टर ही स्टार्ट करवा देता हूँ जिससे कि आप उसके क्वेश्चन भी कर पाओगे आने वाले वीक में, तो मोनोटोनिसिटी चैप्टर कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, सर माने उसका कुछ लिंक तो नहीं है ना प्रीवियस चैप्टर से, क्योंकि वो तो शायद लास्ट में है, सेकंड लास्ट चैप्टर है। मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा मिनिमा सब कोई मतलब किससे लिंक करना चाहते हो, फंक्शन से लिंक है और किससे लिंक? नहीं नहीं माने टेंजेंट नॉर्मल से तो लिंक नहीं है ना, ना। ज्यादा फिर ठीक, टेंजेंट नॉर्मल कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए और टेंजेंट के स्लोप के लिए डीवाई बाई डीएक्स चाहिए और वो पॉइंट चाहिए, पॉइंट और डीवाई बाई डीएक्स की हेल्प से आप उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो
और उसी तरीके से आप नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप पता होने से नॉर्मल का स्लोप भी पता चल जाएगा और उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन पता चल जाएगा। बस उसके बाद सब टेंजेंट, सब नॉर्मल का लेंथ ये हमें बस पता करना होता है। तो ये एक थ्योरी है मेरे पास बताने को, बताऊंगा मैं। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे एक लाइन डालते हैं, ये सब नॉर्मल का लेंथ होता है, ये सब टेंजेंट का लेंथ होता है, ये टेंजेंट का लेंथ होता है, ये नॉर्मल का लेंथ होता है, सबका लेंथ हम थीटा के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। बस इतनी सी बात है उस चैप्टर में और कुछ नहीं है। तो हमें यही करना पड़ेगा, एफ एक्स मान के पॉइंट लेके करना पड़ेगा। मैं आपको मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम बता देता हूँ जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं दोनों कंप्लीट कर सकता हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज तो तुम्हें है ही। हाँ सर, मैक्सिमा मिनिमा में थोड़ा किया हुआ। क्वेश्चंस है, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं इसमें। मैक्सिमा मिनिमा और पता ही आपको मैक्सिमा क्या होता है। और मोनोटोनिसिटी का मतलब, मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनोलॉग, और जैसे करके मोनो का मतलब तुम्हें पता है पहले से, और मोनोटोनिसिटी मतलब जो एक टोन में बात करता हो, ठीक है, मोनोटोनस हो। मोनो उसी वर्ड से तो बना है मोनोटोनस। उसी तरह कोई फंक्शन अगर मोनोटोनस हुआ तो उसको वही चैप्टर का नाम मोनोटोनिसिटी इसीलिए पढ़ा हुआ है कि हम फंक्शन मोनोटोनस है कि नहीं ये चेक करना है। फंक्शन मोनोटोनस होने का मतलब फंक्शन एक जैसा ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा फंक्शन ये मोनोटोनिक है, हाँ है, घटता जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो ये भी मोनोटोनस है, एक ही जैसा काम कर रहा है। यानी कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग हुआ तो हम बोलेंगे फंक्शन मोनोटोनिक है, और फंक्शन अगर थ्रू आउट एक्स अगर ये मोनोटोनिक, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हुआ तो हम बोलेंगे मोनोटोनिक नहीं है। सिंपल सी बात है। तो मोनोटोनिक होना और नहीं होना कैसे डिपेंड करता है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे फंक्शन मोनोटोनिक है। यानी कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, या एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो हम बोलेंगे फंक्शन मोनोटोनिक है। बस एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है। हाँ, पता है, पहले से ही पता था ना तुमको तो। यस सर, ये तो फंक्शन में ही सर आप बताए थे। हाँ, बस अब इसके क्वेश्चन के थ्रू ही इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और बाकी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। जीरो पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर मैं इक्वालिटी लगा दूं तो क्या बोलेंगे, निगेटिव नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे यहाँ पे जीरो हो जाए, और हो सकता है किसी इंटरवल पे जीरो ही जीरो चलता रहे, इतने बीच में सीधा रहे, तो उसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यही है मोनोटोनिसिटी। अब इसके कुछ क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझ ही लीजिए। तो तुम्हारे पास मॉड्यूल है, इसमें जो जो थ्योरी लिखी है उसको आप कवर कर लेना। देखो वो कैसा भी हो सकता है, लाइक ऐसे कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है मोनोटोनिसिटी, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, द फंक्शन इंक्रीजेस इन द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजेस, एफ एक्स इज इक्वल टू टू लॉग x minus 2 minus x square plus 4x plus 1. Find the interval in which function increases. सर आपका सर वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया, वॉइस भी थोड़ा कट कट के आ रहा है। ओके, अभी ठीक है? देखो मैं सर वॉइस आ रहा है क्लियर, सर वीडियो में थोड़ा ब्लर है, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ। ठीक है, अभी थोड़े कभी कभी ऐसे बीच में हो जाता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। सर क्वेश्चन मतलब आप क्या बोले थे, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग,
अच्छा ठीक है, या फाइंड एंड इंटरवल इन फंक्शंस मोनोटोनिक बिहेवियर, एक ही बात है, बट उसमें डिक्रीजिंग का भी आएगा, अगर डिक्रीज का तो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने क्या लिखा, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अभी आवाज बेहतर है? हाँ सर, आवाज एकदम क्लियर है सर। ओके, सर आंसर क्या 2 से लेकर के इन्फिनिटी यूनियन 3/2 to 0? F-X निकाला यहाँ पे, फोर एक्स है क्या सर? क्या अच्छा एक सेकंड सर, मैं फोर देखते एक्स यहाँ पर 3x लिख दिया था, एक सेकंड सर। सर ग्राफ में -√10 कहाँ पर आता है? ग्राफ में माइनस क्या? √10। -√10 किसके ग्राफ में? सर मैंने ऐसे मैंने नंबर लाइन पे। हाँ सर नंबर लाइन पे 9 के बाद होगा ना, 3 के बाद, जस्ट 3 के जस्ट बाद। सर बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है सर, एक बार आप बताइए सर आंसर क्या है इसका। और ये ग्रेटर देन 0 होगा ना फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन? कैसे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं? तो इसके लिए मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आई थिंक ये लिखा 2, ये लिखा 2x इनटू x माइनस 2 प्लस 4 इनटू x माइनस 2 बाय x माइनस 2, पूरा एक्सप्रेशन बना दो इन सब केस मैक्सिमम मिनिमम में, और इसमें ऐसा करना होता है। तो अब यहाँ पे ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया माइनस 4x प्लस 4x प्लस 4x 8x हो गया, फिर यहाँ पे माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2,
यहाँ पे इफ यू टेक नेगेटिव साइन आउट ऑफ इट एंड यू कैन टेक टू आउट ऑफ इट ऑल्सो, एक्स स्क्वायर माइनस आपका पूरा वॉइस कट रहा है माइनस एक्स 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 बहुत एक्सप्रेशन चेंज है। हेलो सर, आपका सर वॉइस पूरा कट रहा है सर, और मैंने पूरा वीडियो भी पॉज हो गया है।